वन कैसे हैं आप सब लोग। ये आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं हूँ शगुफ्ता अली और वोकेशनल बैंक सदर में आपको वेलकम करते हैं। सो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से टाइपोग्राफी की प्रॉपर्टीज़ को गो थ्रू करेंगे हम फिग्मा के अंदर। सो सिंपल आपने करना है कि आप टेक्स्ट के ऊपर सेलेक्शन रखेंगे अपनी और यहाँ पर एलिप्स टूल के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ और आपके टेक्स्ट की टाइपोग्राफी की यहाँ पर प्रेजेंट हो रही है। अच्छा, वन मोर थिंग, जिन्होंने अभी तक मेरे टाइपोग्राफी की सीरीज़ नंबर 5 नहीं देखी तो वो काइंडली जाके गो थ्रू कर लें ताकि आपको आइडिया हो कि हम ये लेक्चर अपना कहाँ से स्टार्ट करें। ठीक है, अब यहाँ पर है रीसाइजिंग योर टैक्स। इस तरीके से यहाँ पर टैक्स को आप जो है वो अपर केस में करना चाहें, लोअर केस में करना चाहें, तो यहाँ पर साथ साथ वो आपको प्रीव्यू भी दिखा रहा है। इसी के साथ साथ अगर आप टैक्स को अंडरलाइन करना चाहते हैं, इफ़ यू गो थ्रू द स्ट्राइक थ्रू बिटवीन द टैक्स, तो आप ये सारे काम यहाँ से कर सकते हैं। नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर नन पे चेक लगा दें। यहाँ पर अगर आप एस टाइप जिस तरह लिखा है वैसे ही वापस सिचुएशन में करना है, केस सेंसिटिव अप्लाई नहीं करना, तो सिंपल आप यहाँ पर एस टाइप पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो अपनी प्रीवियस कंडीशन के अंदर आ जाएगा। इसी के साथ अलाइनमेंट ऑफ टैक्स, इफ़ यू अलाइन द सेंटर, लेफ्ट, राइट एंड जस्टिफाई, ठीक है। इसी के साथ साथ रिसाइजिंग है, इफ़ यू रिसाइज योर टैक्स तो आप ऑटो विद ऑटो हाइट के जरिए अपने टैक्स को रिसाइज कर सकते हैं, लाइक जो हमने पहले भी किया है रिसाइजिंग। इसी के साथ साथ अगर हम आगे बढ़ें, वर्टिकल ट्रिम है, लिस्ट टाइप है। लिस्ट टाइप का मतलब भी आप बुलेट्स अप्लाई करना चाहते हैं अपने, लेकिन यहाँ पर वो सब चीज़ें प्रीव्यू कर रही हैं। आप अगर देखें गौर से तो यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट या नंबर लिस्ट और बुलेट लिस्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ रही है। इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू अप्लाई तो सिंपल आप यहाँ पर नन पे क्लिक कर दें। इसी के साथ इफ़ यू वांट टू गिव द स्पेसिंग बिटवीन द लाइंस, जो जितना स्पेस देना है आप वो यहाँ दे सकते हैं। इफ़ यू वांट टू अप्लाई द पैराग्राफ स्पेसिंग, वो भी आप यहाँ से देना चाहें तो दे सकते हैं। तो दिस इज़ द वेरी इजीएस्ट वे कि हाउ टू चेंज योर टैक्स स्टाइलिंग, टाइपोग्राफी स्टाइलिंग इन फिग्मा। इसी के साथ आप अगर पैराग्राफ के बिटवीन गैप देना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लेटर स्पेसिंग बढ़ानी है आपने तो सेम लाइक दैट आप वो यहाँ से लेटर स्पेसिंग को भी चेक ऑन कर सकते हैं। ठीक है जी, सो नंबर के अंदर अगर आप आते हैं तो नंबर स्टाइलिंग अगर आपने दिए हुए हैं तो नंबर के स्टाइल्स किस स्टाइल्स में लिखने हैं आप, वो यहाँ पर उसकी पोजीशंस हैं वो आप गो थ्रू कर सकते हैं। अच्छा, इफ़ यू वांट टू गिव द हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग तो यहाँ से फिर आप उसकी स्पेसिंग भी इंक्रीज कर सकते हो। प्रीव्यू यहाँ वो शो करा रहा है कम्प्लीटली कि किस टूल के क्या पर्पजिंग है और ये मैं टूल कहाँ से लेती हूँ। सिंपल मैंने यहाँ पर वैरायटी ऑफ टूल में क्लिक किया था, टाइप सेटिंग्स पर आने के बाद आपके पास ये सारी सेटिंग्स थी, उसके साथ साथ ऊपर इसके प्रीव्यूज़ थे, जो भी आपको प्रीव्यू यहाँ पर दिखाया जा रहा है ऑटोमेटिकली वो बैक स्क्रीन पर भी फिग्मा के कैनवा पर भी शो हो रहा है। सो आई होप वीडियो क्लियर हो गई होगी। ये सीरीज़ मैंने फिग्मा की आप लोगों के लिए डिज़ाइन की है। इफ़ यू स्टक एनीवेयर यू कैन पास द कमेंट, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन राइट नाउ। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिग्मा ट्यूटोरियल में हम बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ों को गो थ्रू करेंगे इन दी एंड इंशाल्लाह। जब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।